गुड आफ्टरनून मैम। ओके आई म्यूट यू ऑल। ओके ओके मैम। राइट, सो आई वाज आस्किंग व्हाट यूजुअल एक्टिविटीज ड्यूरिंग द शेयरा ब्रेक। किसी ने कुछ अलग किया द शेयरा ब्रेक में? इफ एनीवन वुड लाइक टू शेयर? नोबडी? Yes, you had done. Did you not work on your social health? आप सबसे मिले होंगे, सबसे बात किया होगा, enjoy किया होगा. So social health हमने work किया नहीं किया, आपने relations को strong किया नहीं किया. Right. So see what you were studying, you were applying it during the Dussehra break. And how many of you remember using your dining etiquettes there? अगर कोई आपके घर आया या अगर आप किसी के घर as a guest गए थे. So did anyone of you use your dining etiquettes that we have learned so far? Maybe just one of it, if not all the manners. किसी ने कोई one manner भी apply किया during your break? Okay, Gagan wants to share. Gagan, unmute. मैम, हम दशहरे पे मैम हम ना अपने भैया के घर पर गए थे. Okay, फिर आपने वहाँ dining etiquettes की कोई learning apply की? यस मैम, हमने डाइनिंग एटिकेट्स मैम हमने वहां वो करा, आपने फॉलो किया. वाओ दैट्स नाइस गगन. सो डिड यू गेट एनी एप्रिसिएशन और प्रेज फॉर इट मैम? यस. हां, वुड यू लाइक टू शेयर दैट मैम? हमें ना मैम हमारे ना रिलेशंस स्ट्रांग हो गए हमारे भैया और हमारे. अरे वाओ दैट्स अमेजिंग गगन, यू आर हैप्पी विद इट? Yes, ma'am. Nice. Okay. Garvit? Ma'am, I am late. Sorry, ma'am. Sorry? Ma'am, I am late. Okay. And what's your name, by the way? You're signing in from your brother's account. Ma'am, my name is Kulk Mahajan and I am in 30. Actually, na? मैंने ना दूसरे फोन से ज्वाइन किया है इसलिए ऐसे दिखा रहा है. Even if you join from another phone, no, there's always an option to rename. तो आप अपने आप को रीनेम कर सकते हैं. ओके मैम, सॉरी यू वर सेइंग समथिंग, या प्लीज अनम्यूट. मैम एक्चुअली इसमें ना मेरे भाई की क्लास होती है इसलिए एक फोन में मेरी मेरी आईडी डली है और दूसरे में उसकी. I'm saying you can rename. आप अपने आप को रीनेम कर सकते हो ज्वाइन करने के बाद. ओके ओके मैम. या राइट, सो एनीवन एल्स हु हैज यूज्ड द टेबल मैनर्स? नो, इट्स ओके. अभी आगे दिवाली ब्रेक इज कमिंग, उसमें तो यू विल बी मीटिंग मेनी ऑफ योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. यस और नो? So apply them, okay? And then become the showstopper by getting so many praises from everyone, right? Great. So last class we had discussed about dining etiquettes that we should be following it at home. अगर हम किसी के घर जाते हैं या हम किसी को अपने घर invite करते हैं तो हमें क्या dining etiquettes follow करने चाहिए? Now in today's class we'll be discussing about dining etiquettes to be followed in the restaurant. अब हम बाहर भी जाते हैं ना, कभी लंच के लिए, कभी ब्रेकफास्ट के लिए होटल्स में, रेस्टोरेंट में जाते हैं ना फैमिली मेंबर्स के साथ, तो वहां पे भी तो कुछ डाइनिंग एटिकेट्स हमें फॉलो करने चाहिए. सो वी विल बी लर्निंग अबाउट दोस टुडे. सो एनीवन हु वुड लाइक टू गेस कि क्या क्या डाइनिंग एटिकेट्स हम फॉलो कर सकते हैं रेस्टोरेंट में? जस्ट गेस क्या डाइनिंग के एटिकेट्स आप फॉलो करोगे? ओके मोहम्मद असान. मैम हम रेस्टोरेंट में भाग के जाएंगे, बहुत आराम आराम से स्लोली स्लोली जाएंगे, फिर वहां पर चेयर पीछे करके सिट डाउन होकर बैठ जाएंगे, राइट हैंड करके. एंड मैम बाय चांस हमसे स्पून गिर जाए किसी दूसरी टेबल के साइड, कोई हमें देखे तो हम हमें उससे सॉरी बोलना चाहिए. जब वेटर आए तो उनसे कहना चाहिए प्लीज गिव मी अ स्पून. ओके वेरी ट्रू.
So you have given 4 points to us. Baki? Ma'am, hum slowly eat karenge. Yes, we should be chewing slowly. Anything yes. else? Yeah, anything else you want to add on? Or ma'am, agar aur hum aram aram se chew karte usko khayenge. Okay. Right. Gagan? Ma'am, slowly food chew karenge and ma'am jab hame na 34 bites khani usko chew karna chahiye. Okay, 32 times. Okay. So and ma'am hame jab hum kha rahe hote hain to ma'am hame us pe pehle focus karna chahiye. Hum jaldi mein aise bikher dete hain na to hame aisa nahi karna chahiye. राइट जल्दी जल्दी में भी और जब हम फोन भी देखने बैठ जाते हैं खाते टाइम तब भी हमें मिस्टेक करते हैं राइट गगन यस मैम राइट तो हमें बहुत केयरफुली खाना चाहिए कि हम फूड को इधर उधर स्पिल नहीं करें एब्सोल्युटली नाइस पॉइंट गगन पुलकित मैम जब हम रेस्टोरेंट में होते हैं तो हमें सबके सामने गंदे तरीके से खाना नहीं खाना चाहिए लाइक हमें जल्दी जल्दी सबके सामने क्यों नहीं कर लेना चाहिए इतने गंदे तरीके से Okay. इसके अलावा एंड मैम जो भी अगर हमारे पास फूड ना हो तो हमें हमें मम्मी पापा को बोलना चाहिए कि वेटर से स्पून लाए या फिर हमें अगर वेटर आए तो उन्हें बोलना चाहिए ओके और एनीथिंग एल्स पुलके नो मैम ओके ध्रुविका मैम हमें कभी भी होटल में दौड़ना नहीं चाहिए वेरी ट्रू एंड आई थिंक हमें कहीं पे भी नहीं दौड़ना चाहिए बिकॉज़ इन दोस आर नॉट मेंट फॉर रनिंग राइट यस मैम सर्वांग खाते वक्त मैम बोलना नहीं चाहिए और मैम खाते वक्त ना हमें मैम खड़े होके नहीं खाना चाहिए ओके वी शुड बी सिटिंग व्हाइल ईटिंग वेरी ट्रू बाकी मैम जब हम खाना खाते हैं ना तो फिर हमें एक बार सही बैठे रहना होता है हम खड़े नहीं होंगे फिर वहां से राइट सो व्हाइल यू आर ईटिंग यू शुड नॉट स्टैंड Very true. We should be seated only. And even if we have to get up, let's say if you want to go to washroom or something, or if there is very urgent urgency for something, then you can always say, excuse me. Okay? I'll just be back. So this is how we say, excuse me, I'll be right back. Yes, ma'am. नहीं खड़े होते हम एक्सक्यूज मी करके उठ सकते हैं अगर कुछ अर्जेंसी है या लेट्स से आपको वॉशरूम जाना है या इवन लेट्स से खाते टाइम कभी कभी होता है ना कि हमारे कपड़ों पे स्पिल हो गया कुछ गिर गया तो हमें वॉशरूम जाना पड़ता है फॉर क्लीनिंग आल्सो सो देन आल्सो वी कैन से एक्सक्यूज मी आई विल बी राइट बैक ओके बट इन फर्स्ट थिंग खाना चाहिए खाना यस वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड वेरी ट्रू ओके पुलकित मोहम्मद हसन मैम डोंट मूव योर लेग्स व्हेन यू आर ईटिंग मैम हमें मेन्यू में से डिसाइड करना चाहिए हमें क्या मंगवाना है हमें फिर वेटर का वेट करना चाहिए हमें शोर नहीं मचाना चाहिए वेरी ट्रू हमें शोर तो बिल्कुल नहीं मचाना चाहिए यस पुलकित मैम जब भी हम खाना खा रहे होते डोंट मूव योर लेग व्हाइल ईटिंग यस वी डोंट शेक आवर लेग्स व्हाइल ईटिंग फूड वेरी ट्रू मैम अगर हम खाना खाते हैं तो लौट के खाना नहीं चाहिए क्योंकि वो गले में अटक जाता है क्या नहीं करना चाहिए अगर हम खाना खाते हैं तो फिर लौट के नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो गले में अटक व्हाट इज लौट के नहीं खाना चाहिए
लौट के का मीनिंग काशी आई यू देयर काशी यस मैम लौट के का मीनिंग आई डोंट नो द मीनिंग व्हिच इज व्हाई आई एम आस्किंग यू कि आप एक्सप्रेस क्या करना चाह रहे हो Anyone else who can help with this? I don't know. Okay, Shiv. Ma'am, मतलब हमें move करके नहीं खाना चाहिए वरना हमारे गले में अटक जाएगा खाना. Is this what you wanted to say, Tashi? Yes, we shouldn't be moving. And we should not be as such talking also when the food is there in your mouth. Then also it may get stuck in your throat. All right. All right. Shiv, you wanted to add something? Okay. Take time. Prerna? Prerna Bhardwaj. Ma'am, हमें कभी भी लेट के नहीं खाना चाहिए. Humaira. Ma'am, हमें खाना खाते हुए बातें नहीं करनी चाहिए. Very true. खाना खाते हुए हम बात कर सकते हैं क्योंकि हम मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं बट जब माउथ में बाइट है तब नहीं करनी चाहिए आपके बाइट जब फिनिश हो जाए तब आंसर कर सकते हो बट नॉट व्हेन यू आर च्यूइंग द फूड बिकॉज़ इट मेक्स इट स्टक इन योर थ्रोट देन ओके एंड इट विल लीड टू कफ और मैम खाने को 31 बाइट को 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए ओके यक्षित मैम जब हमारा खाना जो हमारा खाना वो खत्म हो जाए सब जो हमारे पास में बैठा है उसे एक्सक्यूज मी करके उठना चाहिए और हमें कभी भी खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि हमारा उससे ही पेट भर जाता है ओके एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग यक्षित अगर दूसरा खाना खा रहा है तो भी हम टेबल से नहीं उठ सकते वी शुड बी सिटिंग देयर ओके But yes, if you want to go to washroom and come back, in that situation, you may say, excuse me, I'll be right back. But agar aapka khana finish ho gaya hai, but baki abhi kha rahe hain, aap table se nahi uthoge tab. Okay? All right. Okay. Shiv? Ma'am, agar hume kuch bhi cheez chahiye hoti hai, to hume uth kar nahi leni chahiye. Hum dusre ko bol sakte hain, wo hume pass kar lega. Right, we can... Very true. So we can request somebody to pass. So you remember the three magical words that we had used the other day. Thank you. May I? And please. So can you please pass me the chapati bowl? Can you please pass me the vegetable bowl? So we use the word please. Okay. If you want water, so may I get water? Okay. So we use the word may I? And lastly, thank you. So when you get it, always say thank you. Okay. So yes, you have to remember the three magical words here as well. Okay. Right. Kavya has not answered. Kavya? Ma'am, हमें कभी भी खाना खाते हुए अपनी legs को move नहीं करना चाहिए. Very true. We should not be shaking our legs while eating food. Ma'am, जब भी हम table पे अगर खाना आने वाला होता है तो हमें spoon को बजाना नहीं चाहिए टेबल पर। राइट, वाइल वेटिंग फॉर फूड वी शुड नॉट बी मेकिंग साउंड्स विद द कटलरी ऑन द टेबल। वी शुड नॉट बी बैंगिंग द टेबल बेसिकली। राइट, आदित्य? यस, यस मैम। यू रेजिंग योर हैंड। बताएं मैम, हम बताना चाहते हैं। मैम हमें खाने से पहले हाथ हैंड वॉश करना चाहिए
right? We should wash our hands before eating the meal. Anything else? और मैम हमें खाना खाते समय टीवी नहीं देखना चाहिए क्योंकि हमारे सारा दिन वहाँ पे रहता है फिर. Very true. And we don't realize कि हमारा the tummy is filled or not. Very true. Okay, Gagan. मैम हमें कभी भी रेस्टोरेंट में टेबल पर खड़ा नहीं होनी चाहिए. हमें किसी के ऊपर अपना फूड फेंकना नहीं चाहिए. अगर हमने गलती से फेंक दिया तो हमें उन्हें सॉरी कहना चाहिए. पर हम गलती से क्यों फेंकेंगे मैम? मतलब मैम जब हम भूल जाते तो ऐसे गलती से उछल जाता है ना फूड. आई डोंट नो कैसे उछलेगा. नहीं मैम मतलब जब बिखर जाते तो किसी के ऊपर गिर जाता है ना. तो हमें बोलना चाहिए स्पिल ना हो जाए बाय चांस. ठीक है क्योंकि फूड ऐसे उछलेगा नहीं ना. इट्स नॉट अ फ्रॉग दैट विल स्टार्ट जंपिंग वन फाइन डे. मैम हमें ऐसे वो इतना शोर नहीं मचाना चाहिए हमें. राइट वी शुड नॉट बी मेकिंग अ स्क्रीम और अ साउंड. वेरी ट्रू. पुलकित मैम जब भी हम खाना खा रहे होते हैं तो मैम हमें खाना खत्म होने के बाद टिश्यू पेपर या हैंड वॉश करने के बाद टिश्यू पेपर यूज करने चाहिए और मैम अपना मुंह भी उसी से क्लीन करना चाहिए. ओके सो वी शुड यूज द टिश्यू और द नैपकिन फॉर वाइपिंग. एंड बाकी मैम जब हम टेबल पर जब हम खाना खा लेते हैं तो हमें क्लीन करने में हेल्प करनी चाहिए. इन द रेस्टोरेंट हाउ विल वी डू इट? मैम होम में. वी डिस्कसिंग टू द रेस्टोरेंट ना अभी. ठीक है बट डेफिनेटली एज पाकी सेड वी कैन हेल्प इन क्लीनिंग. वी कैन हेल्प इन दोज रेस्टोरेंट्स इन क्लीनिंग वेयर देयर इज जनरली सेल्फ सर्विस. तो वहाँ सेल्फ सर्विस में आप ऑफकोर्स आफ्टर ईटिंग फूड आपने देखा होगा कि उनके ट्रैश नॉट ट्रैश यूटेंसिल्स डिस्कार्ड करने के बिन्स होते हैं आप उनमें रख सकते हैं. लाइक इन डोमिनोज वी हैव वन. सो वी कैन यू नो आफ्टर ईटिंग द पिज्जा यू कैन थ्रो द कार्टन्स इन इट. सो यस यू कैन हेल्प इन दैट वे प्रोवाइडेड दे आर सेल्फ सर्विंग रेस्टोरेंट्स. जहाँ सेल्फ सर्विंग नहीं होती वहाँ हम नहीं कर सकते. ओके शिव जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें चेयर और टेबल नहीं मूव करनी चाहिए. Very true. We should not be moving our table and chair while we are eating food. So great. Now a few of them are left. I will just share my PPT with you all for it. And let's look at certain behaviors that we should follow on the dining table. In the restaurant, sorry, not in the dining table. Okay. So first one. वो शेयर की स्पून फेल्स की खाते टाइम अगर आपका स्पून या फोक या नाइफ गिर जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? एनीवन हु वुड लाइक टू शेयर क्या करना चाहिए? समबडी हैज ऑलरेडी शेयर्ड दिस पॉइंट. ऑलराइट मोहम्मद हसन. मैम सॉरी बोलना चाहिए. हमें वेटर को सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि हमसे गिरा है. इवन इफ इट वॉज बाय मिस्टेक बट स्टिल वी डिड दैट मिस्टेक. सो वी शुड ऑलवेज से सॉरी. माय स्पून हैज फॉलन डाउन कैन यू प्लीज गेट मी अनदर वन. ओके तो हम किसी को बोल सकते हैं कि मुझे दूसरी ले आओ. अब हम दूसरी क्यों बोलते हैं? हम नीचे झुक के उठा नहीं सकते? नो बिकॉज आपने देखा होगा रेस्टोरेंट की टेबल्स में कई बार तो कवर्स लगे होते हैं टेबल के ऊपर. सो यू विल नॉट सर्च अंडर द कवर नो एनी वेयर. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आपने कभी रेस्टोरेंट में ऑब्जर्व किया होगा जब हम सब साथ बैठे हैं लेट्स से अगर आपका स्पून किसी के फीट के पास चला गया तो आप कैसे टेबल के नीचे झुक कर उठाओगे ना. यू विल नॉट गो एंड क्रॉल लाइक अ लिटिल चाइल्ड अंडर द टेबल टू गेट दैट स्पून. सो द अदर पीपल ऑन द टेबल विल फील अनकम्फर्टेबल. और अगर लेट्स से किसी और के टेबल के नीचे चला गया तो वो भी तो अनकम्फर्टेबल होंगे. विच इज वाई कुछ भी नीचे गिरता है आप कभी नहीं पिक करोगे. आप सिर्फ वेटर को apologize karoge that sorry my mistake this happened so can you please get me another one. Okay so that's the way we talk. Okay now another important thing elbow. So while you are waiting for food or while you are sitting there how your elbow should be on the table.
हिरेन Then how your table should be on the table? हमें ऐसे करके खाना फूड ईट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा एल्बो किसी को हर्ट कर सकता है. Okay, हमें ऐसे एल्बो नहीं रखना चाहिए और जब हम खाने का वेट कर रहे होते हैं तब हमारे हैंड्स कैसे होने चाहिए then? ऐसे. कैसे? नीचे हाथ करने. Right. So we should keep our hands on our laps. आप क्रॉस आर्म करके रख सकते हो, आप लैप पे रख सकते हो, आप क्रॉस आर्म करके टेबल पे रख सकते हो, बट आप ऐसे प्रेसिंग द एल्बोज ऑन द टेबल हम कभी भी ऐसे नहीं बैठते. दिस वेरी डिफरेंट. ओके राइट हिरेन, योर आंसर वॉज राइट. ओके नाउ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, व्हेन्स यू हैव ईटन योर फूड हाउ द वेटर विल गेट टू नो. वेटर को कैसे पता चलता है कि आपका खाना फिनिश हो गया है? Devansh, what will you do to tell the waiter ki aapka khana finish ho gaya hai? Nahi, waiter bill laata hai jab pata chal jata hai. ओके तो अगर वेटर आएगा तो वो कैसे आएगा ना, उसको क्या दिखेगा जिससे उसे पता चल जाएगा क्योंकि इनका खाना फिनिश हो गया है? कुछ तो इंडिकेशन होगा ना देखने के लिए, क्योंकि वेटर सिर्फ हमारे पास तो नहीं है, वो और टेबल्स पर भी जाके सर्व कर रहा होता है. मैम जैसे हम पे करते हैं जब पता चल जाता है वेटर को. पर पे करने के लिए बिल कौन लाता है? वेटर. तो उसको कैसे पता कि मेरे को बिल लाना है? उसके लिए तो उसको पहले पता होना चाहिए ना कि इनका खाना फिनिश हो गया, ये और नहीं खाएंगे. तो कैसे पता चलेगा अगर वेटर थोड़ा सा दूर है या किसी और टेबल पे है? सोचो सोचो. ओके प्रेरणा, प्रेरणा प्लीज अनम्यूट. ओके पाखी, मैम हम उसको बोल देंगे कि हमारा फूड फिनिश हो गया. कैसे बताएंगे बेटा? अगर वो थोड़ी दूर है या किसी और टेबल पर है तो हम क्या शाउट करेंगे, एक्सक्यूज मी है? मैम हम वेट करेंगे और जब वो सर्व कर लेगा फूड तो हम उसको एक्सक्यूज मी कर बुला लेंगे. ओके हम वेट करेंगे, बट you know what people, there is also the way by which waiters get to know whether we have finished our food or not, and the way is the way you keep your cutlery in your plate. aap apne plate mein cutlery kaise rakh rahe ho wo usse samajh jate hain. okay aur cutlery mein aap kya use kar rahe ho? knife and fork. aur knife aapke kaun se hand mein? right hand mein. baki one second I am muting you, just wait. नाइफ आपकी राइट हैंड में होती है और फोक आपके स्पून आपके लेफ्ट हैंड में होता है, राइट? तो आप कैसे कटलरी रख रहे हो उससे उन्हें इंडिकेशन हो जाता है कि आप अभी खा रहे हो या आपका खाना फिनिश हो गया है. तो कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप खाना खा रहे हो आप रुकते हो ना 2-3-4 मिनट्स के लिए, फिर दोबारा से खाते हो, तो उस कंडीशन में जब आपने पॉज लिया है, वेट कर रहे हो, जब आप खाना खाते टाइम यू हैव टेकन अ पॉज, यू हैव स्टॉप्ड फॉर अ शॉर्ट व्हाइल, तब हम अपनी कटलरी को ऐसे स्लांट तरीके से रखेंगे, नाइफ या फोक. एक तरीका है स्लांट रख दीजिए दोनों को, या फिर क्रॉस एक्स बनाकर. सो स्लांट या फिर क्रॉस एक्स बना के रख दीजिए. ओके और आपने ऑब्जर्व किया होगा खाते टाइम एट टाइम्स क्या होता है कि हमारे जो
प्लेट है वो डर्टी हो गई एंड वी नीड द न्यू वन. तो जब हमें न्यू प्लेट चाहिए तो उसमें हम क्या करते हैं, हम नाइफ को स्लिप पोजिशन में रखते हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल, और फोक को वर्टिकल या स्टैंड पोजिशन में, राइट. तो आपने ऐसे प्लस के तरीके से, प्लस का साइन जैसे आप बनाते हो एडिशन का, वैसे रखना है. सो नाइफ स्लिप लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल एंड फोक वर्टिकल. और जब आपका खाना फिनिश हो जाता है तो आप नाइफ और फोक दोनों को ही ऐसे रखेंगे स्टैंड पोजिशन में. तो उससे वेटर कहीं दूर भी है, कुछ भी है, वो देखकर एनालाइज कर लेते हैं दैट ओके इन्होंने कटलरी ऐसे रख दी है, सो विच मीन्स कि इनका खाना फिनिश हो गया है. ओके, सो दैट्स द वे वी इन्फॉर्म द वेटर बाय नॉट स्पीकिंग, सो दैट इवन इफ ही इज नॉट अराउंड ही कैन सी. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव मेड फेसेस इन द रेस्टोरेंट. जब पापा मम्मा उसी रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, वही खाना ऑर्डर करते हैं, तो हम में से कौन ऐसा ग्रम्पी फेस बना के बैठता है? Please raise your hand. How many of you do make the faces? Okay. Give me an honest response. कौन है जो faces बनाता है grumpy वाले? Shiv, I see you busy with your phone right now. Okay, so I see Tashi and Gagan giving an honest reply. Great. So avoid it. You know why? क्योंकि अगर आपको याद हो आप सबके साथ खाने पे क्यों जा रहे हो, अपने मेमोरीज बनाने यानी कि अपना सोशल हेल्थ बिल्ड करने, अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने. तो अगर हम ऐसे छोटी छोटी बातों पे फेस बना के बैठ जाएंगे, सैड वाला राइट या फिर सड़ू वाला, सो हमारी सोशल हेल्थ या सोशल बॉन्ड कहीं से स्ट्रॉन्ग होगा? नहीं होगा. तो इसलिए हमेशा याद रखे कि आप, हो सकता है मम्मा पापा को पता है कि उस रेस्टोरेंट में वही डिश अच्छी है तो इसलिए वो वही ऑर्डर करते हैं, या फिर कंसर्न अबाउट योर हेल्थ की ठीक है आप अनहेल्दी एकदम नहीं खाए, यू ईट हेल्दी डाइट, सो दे टेक यू टू दैट रेस्टोरेंट एंड ऑफर यू नो एंड ऑलवेज आस्क फॉर द सेम मील्स. सो रिमेंबर व्हाट द पर्पस इज, द पर्पस इज टू स्ट्रेंथन योर बॉन्ड विद देम. तो फिर उससे ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ खाना खा रहे हो और किसके साथ खा रहे हो. वाई? बिकॉज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट करता है कि हम जिनके साथ खा रहे हैं हम उनके साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए. Okay, now a few more points that we have missed. कभी कभी आपने देखा होगा वेटर आपसे पूछते हैं कि खाना कैसा लगा आपको, राइट. तो अगर आपको ठीक लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा, तब भी आप उन्हें बोलिए that the food is amazing, yeah, the food is fantastic. You know why? Because जब आप उन्हें ऐसे बोलेंगे ना, so it will bring smile on their face, they'll feel happy. And so you will, looking at them, when you look at them that they're happy, so you will also be happy. Okay, so that's the reason for spreading happiness. And somebody had said over here ki hum waiter ko bula lenge, waiter ko kaise bulayenge. Ab agar main bolu Ronak please come here, ya main bolu hey hello excuse me please come here, kya better lag raha hai? Ronak na, because I have addressed him or her by the name. So similarly waiter ka hota hai. अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा उनके राइट साइड पर शोल्डर के नीचे नेम टैग्स होते हैं, तो अगर आप उनको उनके नेम से एड्रेस करेंगे, लेट्स से पुलकित इज हिज नेम, सो पुलकित सर, ओके, अगर आप उनको नेम से और सर लगा के एड्रेस करेंगे, यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू देम एंड दे विल बी वेरी हैप्पी विद इट. अगेन द वे यू ऑल आर हैप्पी व्हेन समबडी कॉल्स यू बाय योर नेम. राइट, नाउ अनदर थिंग, इफ यू रिमेम्बर स्पून्स हम लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं और सॉलिड्स के लिए, फॉर इंस्टेंस राइस पास्ता नूडल्स, वी यूज द फोक. एंड फिंगर बोल इज, इफ यू मस्ट हैव सीन, कुछ प्लेसेस पे खाना जब हम खा लेते हैं तो उसके बाद रेस्टोरेंट में न्यू फॉर्म वाटर आता है जिसमें लेमन का स्लाइस होता है. अब उस लेमन का स्लाइस का पर्पज क्या होता है, अपने फिंगर्स और टिप्स को क्लीन करना, नेल्स को क्लीन करना. तो वी कॉल इट एज फिंगर बोल एंड इट इज नॉट
lemon soup. So remember, it's a finger bowl. Okay. Now, also people, you are grown up enough to understand कि आपको कितनी भूख है, तो take only that much amount of food in your plate. Okay, as you require. Now I wanted to ask you, आप सबने observe किया होगा जब हम शादी पे जाते हैं, हमारा कितना खाना होता है, कितने तरह के sweet dishes होते हैं, कितने तरीके के breads होते हैं, कितने तरीके का vegetables होते हैं, and then you have a separate corner for Chinese, for Italian, right? तो जो वेडिंग में या किसी भी फंक्शन में कोई गेस्ट गए होते हैं, आपको लगता है वो सारा खाना खा लेते होंगे? शो मी अ थम्स अप अगर वो खा लेते होंगे, थम्स डाउन अगर नहीं खाते होंगे. ओके, सबरंग गिव्स अ थम्स डाउन. यशित, आई डोंट सी योर थम बिकॉज यू आर गिविंग मी टू आंसर्स एट द सेम टाइम. मनिका गिव्स मी अ थम्स डाउन. प्रेरणा, आई अगेन डोंट अंडरस्टैंड इट. आपके अकॉर्डिंग खा लेते हैं, आप सब कुछ खाते हो प्रेरणा शादी में? आप सब कुछ खाते हो जो भी सर्व होता है? तो जब आप नहीं खाते तो और लोग भी तो नहीं खाएंगे. मैम, ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए और कम भी नहीं खाना चाहिए. राइट, तो इट मींस कि शादी में जब लोग इतना खाना है वो नहीं खा रहे, और कई बार आपने देखा होगा जितना वो प्लेट में लेते हैं वो भी फिनिश नहीं करते, प्लेट्स को भी ट्रैश बिन्स में रख देते हैं. तो वो खाने को क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग टू द फूड? और व्हाट डू वी डू टू द फूड? हम भी तो करते हैं ऐसे कि ज्यादा ले लिया और खाया नहीं, तो हम फूड को क्या कर रहे हैं? काशी, yes ma'am, what are we doing to the food when we are not consuming it? ma'am, jo main bol rahi thi wo to piche chala gaya. Kashi, let's talk for present right now, I think, because we are still in the classroom. Okay, Muhammad Asad in the chat writes कि हम वेस्ट कर देते हैं, एंड मनिक ऑल्सो राइट्स हम वेस्ट कर देते हैं. वेरी ट्रू. सो व्हाट डू वी एक्चुअली डू इज वी वेस्ट द फूड. सो नाउ आई वांट यू ऑल टू थिंक कि हम क्या ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हम फूड वेस्टेज ज्यादा करते हैं, और क्या एक्शंस ऐसे करते हैं जिनकी वजह से हम फूड वेस्टेज को कम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हम खाना ले रहे हैं अपने प्लेट में, अगर हम ज्यादा खाना लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट से, इफ यू आर टेकिंग मोर फूड देन रिक्वायर्ड, देन वी आर इंक्रीजिंग द फूड वेस्टेज. व्हाई? बिकॉज हम वो खाना तो नहीं खाएंगे, थ्रो कर देंगे क्योंकि हमने ज्यादा डाला था, तो वो खाना हमने वेस्ट कर दिया. तो इससे फूड वेस्टेज ज्यादा होगी अगर सभी लोग यही काम करें. बट लेट्स से जितना मुझे खाना है, मैं अपने प्लेट में सिर्फ उतना ही खाना लूं और सारा फिनिश कर दूं, so I am decreasing the food wastage. Okay, so anyone else who would like to share कि हम क्या ऐसा करते हैं जिसकी वजह से food wastage बढ़ सकती है या कम हो सकती है, apart from taking the food, please. Ronak, please unmute. Yes ma'am. Tell the behaviors by which we increase the food wastage or decrease the food wastage. क्या करते हैं हम ऐसा जिससे food wastage बढ़ जाती है या कम कर सकते हैं, तो कैसे? बहुत सारा खाना लेकर थारे में वेस्ट कर देते हैं. Okay, और हम कम कैसे कर सकते हैं इस wastage को? जितना खाना है उतना ही लो. Anyone else who would like to think of the ways by which we increase the food wastage or decrease the food wastage? Vrinda, unmute. Vrinda Verma, please unmute. Oye, neeche nahi bitha de.
Brinda, I'll get back to you after 2 minutes. Let the scenario be fine. Right, Manika? Manika, are you there? Bhagi, I know you want to answer, but I want to ask others also who have not answered otherwise. Okay, Dhruvika, unmute. Yes, ma'am. किस से हमारी फूड वेस्टेज बढ़ सकती है या कम हो सकती है, कोई एक्शन आप बता सकते हो? जैसे हमने कोई खाना छोड़ दिया तो हम उन्हें किसी ओल्ड लोग जो सड़क पे बैठे रहते हैं उन्हें दे सकते हैं। राइट, हम दे सकते हैं, पर वो हम छोड़ा हुआ खाना नहीं देते, जो आप अपनी प्लेट में जितना ले रहे हो मैम, जो बच गया है कहीं, राइट, वो हम दे सकते हैं। वेरी गुड, इससे हम फूड वेस्टेज डिक्रीज कर सकते हैं। वेरी ट्रू ध्रुविका। सर्वांग? यस मैम। या प्लीज थिंक ऑफ बिहेवियर जिस वजह से फूड वेस्टेज बढ़ जाती है या कम कर सकते हैं हम। सारा नहीं डालना चाहिए। क्या नहीं डालना चाहिए मैम? सारा खाना प्लेट में नहीं डालना चाहिए मैम। वो तो हो गया ना बेटा, उसके अलावा कोई पॉइंट सोचो। आपकी मम्मा मिल्क कहाँ रखती हैं बॉईल करने के बाद? मैम फ्रिजर। क्यों रखती हैं? क्या होगा? नहीं, ताकि मैम खराब ना हो। तो अगर मैं फूड को ठीक से स्टोर नहीं करूंगी, जैसे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, मिल्क हो, ये सब रेफ्रिजरेटर में होते हैं, तो अगर मैंने रेफ्रिजरेटर में नहीं रखूं, बाहर रखूं, तो ये खराब हो जाएंगे, तो क्या फूड वेस्टेज बढ़ नहीं जाएगी? यस मैम। राइट, तो इट मींस कि अगर मैं फूड को प्रॉपरली स्टोर करूं, यानी कि जिस चीज को रेफ्रिजरेटर में रखने की जरूरत है उसे वहां रखूं, जिसको कूल प्लेस पे रखने की जरूरत है उसको वहां रखूं, तो ऑफकोर्स उसकी शेल्फ लाइफ चलती रहेगी, वो फूड खराब नहीं होगा और हम फूड को वेस्ट नहीं करेंगे। राइट, सो बाय स्टोरिंग इट प्रॉपरली वी अगेन डिक्रीज द फूड वेस्टेज। और क्या हो सकता है? लेट्स से आज मम्मा ने भिंडी का सब्जी बनाया था, ओके, वो थोड़ा सा ज्यादा बन गया, तो क्या कर सकते हो? गगन? मैम अगर वो ज्यादा बन जाते हैं तो मैम हमें जो मैम ऐसे मैम जो वो होते हैं ना, जो मैम ऐसे गरीब लोग होते हैं मैम, जिन्हें खाना नहीं मिलता मैम, हमें उन्हें दे देना चाहिए जो बचता है हमारा। राइट, हम वो भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑल्टरनेट हम ये भी कर सकते हैं कि लेट्स से अगर मॉर्निंग में मम्मा ने बनाई थी और थोड़ी सी बच गई है, तो आप नाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। मैम उसे नाइट में भी ईट कर सकते हैं। राइट, तो हम रिकंज्यूम भी कर सकते हैं बाद में, एंड फॉर दैट अगेन हमें उसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना चाहिए ताकि वो खराब ना हो जाए, बिकॉज वो कुक्ड वेजिटेबल है। ओके पाखी? मैम अगर हमारा खाना हम ज्यादा ले लेते हैं मैम, हमें जितना खाना होता है उतना ही लेना चाहिए खाना। पाखी ये पॉइंट के अलावा सोचो, ये बात बहुत देर से हम कर रहे हैं। Think something different now. अच्छा, अगर let's say आपके घर में ना 2 biscuits के पैकेट पड़े हैं और पापा 3 packets न्यू लेकर आते हैं, तो आप कौन से बिस्किट खाओगे? आप जो पहले के पैकेट्स हैं वो खोलोगे पहले, या जो न्यू पैकेट्स आए हैं वो खोलोगे? मैम जो पहले के बचे हैं वो खाएंगे। क्यों? मैम क्योंकि वो खराब हो जाएंगे। राइट, एक्सपायर वर्ड सुना है ना हम सब ने? राइट, तो वो एक्सपायर हो जाएंगे, वो एक्सपायर हो सकते हैं। सो विच मींस कि जो खाना है
वो हम कितना प्लेट में ले रहे हैं सिर्फ उसी से वेस्ट नहीं होता, हम खाने को कैसे स्टोर करते हैं उससे भी वेस्टेज होती है, और अगर हम खाने को यूज नहीं करते हैं उसकी एक्सपायरी डेट से पहले तब भी हम खाने को वेस्ट करते हैं, राइट? सो फूड वेस्टेज सिर्फ ज्यादा या कम खाने से नहीं होती है, क्वांटिटी भी मैटर करती है कि अगर आपने ज्यादा खाना बना दिया और उसे यूज नहीं किया दोबारा तो भी वो वेस्ट हो रहा है, या किसी को नहीं दिया तो भी वो वेस्ट हो जाएगा, राइट? सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर कुकिंग, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर स्टोरिंग, कि जिस चीज को रेफ्रिजरेटर में रखना है आप उसको वहां रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, राइट? सो कैसे आप स्टोर कर रहे हो उससे भी वेस्टेज जो है वो बढ़ती है या कम होती है। कई बार आपने देखा होगा खाने को इंसेक्ट्स भी लग जाते हैं, तो अगर हम ऐसी जगह रखे जहाँ इंसेक्ट्स हैं तो फूड फिर खराब हो जाएगा, वो फिर वेस्ट होगा, तो हमें ये भी ध्यान देना है कि वहां कोई पेस्ट या इंसेक्ट ना हो। ओके, सो दीज आर द फ्यू वेज बाय विच वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द फूड वेस्टेज, एंड विद दिस वी कंप्लीट विद डाइनिंग एटिकेट्स। I would request you all for the homework, do page, no do ne karo, read kar lo, read page, I'll just let you know. Page number 34 and 30 and 31. So 30, 31, and 34. 30, 31, 34. आप read कर लीजिए. Okay. See you all. Have a wonderful day. Bye bye. We end with today's session.